Are you ready for shooting? आप लोग ना प्लीज एक बात का ख्याल रखना कि होली के दिन किसी के ऊपर भी ग्रीस ना लगाएं। ये कोई तमीज नहीं होती होली खेलने की। ओके, अगर आप ऐसा करते शट अप। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है। वैसे तो मैं कभी बदमाशी करता नहीं हूँ, पर जिस दिन मेरा मूड खराब होता है उस दिन मैं बदमाशी कर भी लेता हूँ। रोज शाम को मेरा मूड खराब हो ही जाता है वाले। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ गरम अकमार और आप देख रहे हैं ब्रेकफास्ट टू डिनर। वैसे तो शो में खूब सारी हंसी होती है, लेकिन आज हंसी का जो किंग है वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनकी हंसी पे एक थोड़ा सा पिंपल आ गया है, उसकी वजह से काफी वो स्ट्रेस में है। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर सुनील ग्रोवर हेलो हेलो, हाय गरिमा, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? मुझे मैं गुड मॉर्निंग आपको भी, लेकिन आज आपकी मॉर्निंग थोड़ी सी गुड नहीं लग रही है मुझे। मेरी मॉर्निंग में जैसा कि आपने कहा कि पिंपल आ गया, मेरी मॉर्निंग में स्माइल पे पिंपल आ गया। यहाँ पे ना ये मेरी दाना आ गया यहाँ पे, तो ये मेरे यानी कि सुनील ग्रोवर के मुंह पे दाना आया है, लेकिन छुटकी के मुंह पे नहीं आना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको मेकअप से कवर कर लें, और साथ में मुझे थोड़ा सा जुकाम है, जो तो चुटकी को नहीं होना जो चाहिए। छुटकी को नहीं होना चाहिए। मतलब सुनील को जुकाम हो सकता है लेकिन छुटकी को नहीं होना चाहिए, सुनील को पिंपल हो सकता है लेकिन छुटकी को नहीं होना चाहिए। करेक्ट। तो नौ जाम 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 हाँ, तो मेरा सारा आज कंसंट्रेशन है कि इसको कैसे गायब करूं। चुटकियों में क्या गायब होगा? चुटकी का पिंपल। और चुटकी कैसे कहेगी इसको? चुटकी में गायब होगा चुटकी का पिंपल। अब हम उस तरफ चलते हैं मेरे ख्याल हाँ, से। जाने से पहले आपको दिखाना चाहती हूँ ये जो लिखा है ना पीछे, बिंदी, जूड़ा, रिबन, नेल पॉलिश, कॉस्मेटिक, ये फैंसी आपकी मटेरियल आपकी जिंदगी से कितना आपने कितना जो सोचा था मैंने कि ये तो सब कभी चीज भी नहीं है? सोचा था। ये मैं पहले जाता था इस शो करने से पहले, ये जो हाँ कुछ अरसे से ये मैं नारी जाति का जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, उससे पहले तो मैं सिर्फ देखता था दुकानों में जाके कि यहाँ पे टी शर्ट लगी हुई है, जीन्स लगी हुई है, जैकेट लगी हुई है। अब हाँ मैं लेडीज शॉपिंग भी शुरू कर दिया। घर का सामान देखिए, बिंदी में लगाऊंगी नहीं क्योंकि मैं सिंगल हूँ, और जूड़ा मैं बनाऊंगी नहीं क्योंकि मैं चोटी बनाती हूँ, रिबन मैं दो लगाऊंगी एक नहीं, और नेल पॉलिश पॉलिश यहाँ श नहीं स है, तो नेल पॉलिश मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि क्योंकि शो नहीं है। श नहीं है, और कॉस्मेटिक तो बहुत यूज करूंगी क्योंकि उसके बिना मैं मर्द ही लगूंगा। तो और फैंसी मटेरियल तो अब जब स्क्रिप्ट आएगी तभी पता चलेगा कितना फैंसी बनता है। लेकिन श्रृंगार का सामान ये मिलता हम है, आपको दिखाएंगे इनके मेकअप वैन में। मेकअप मैन में सारा श्रृंगार का सामान मिलता है। हाँ तो आइए देखते हैं, वहां पे चलते हैं। चलिए। और मेकअप वैन से पहले हाँ हम लोग देखते हैं कि सेट का क्या हाल है। करेक्ट। चलिए बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, वेट करते हैं बस स्टॉप पे। बेस्ट। हाँ बेस्ट बस स्टॉप पे खड़े होकर वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बस स्टॉप की बेस्ट बात है, यहाँ कोई बस स्टॉप नहीं होती, ये सिर्फ स्टॉप ही है। हाँ हाँ तो यहाँ खड़े रहेंगे खड़े रहेंगे, चिड़िया आएंगी, कौए आएंगे, बिल्ली आएंगी, कुत्ते आएंगे, लेकिन बस नहीं आएगी यहाँ पे। इस वक्त आप क्या पी रहे हैं वैसे? इस वक्त मैं ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, अच्छा। और इसके अंदर चीनी भी नहीं है, सिर्फ गरम गरम कॉफी है। और अब आपको लेके चलते हैं सुनील की मेकअप वैन के अंदर, जो आई होप कि उसमें मुझे चुटकी भी दिखेंगी और साथ में सुनील का मैं भी। अभी अब मैं यहाँ सबसे पहले शेव करूंगा, फिर हाँ अपना ये पिंपल जो है ओहो, ये ये पिंपल तो छुपाऊंगा, हमको आज बहुत ये बहुत मेरी ज्यादा। कंसर्न है सबसे बड़ा। जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं। आना चलिए। अरे वाह। और अब हम हैं इनसाइड द मेकअप वैन, जहाँ मैजिक, वेयर द मैजिक हैपेंस, है ना? मैजिक मतलब आदमी को औरत बना दिया जाता है। तब बड़ा लेकिन उससे पहले ये जो देख रहे हैं ना, ये कोई ऑर्डिनरी बैग नहीं है, ये सुनील की यादें, सुनील का सब कुछ इसी में है। नहीं, मेरे डेली जो नेसेसरीज हाँ नेसेसिटीज होती है मेरी, वाह ये जो डेली नेसेसिटीज का सामान है वो है इसके अंदर। ओके। मैं खोल लूं? पहले गैस करिए। क्या गैस? अच्छा। कंट्रोवर्शियल चीजें हैं इसके अंदर। मतलब इसके अंदर कुछ पेपर्स होंगे, फाइल्स पेपर, होंगी, कंप्यूटर होगा, ऐसा पढ़ा लिखा सामान होगा। ओह अच्छा, पढ़ा लिखा सामान। लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक ऐसी भी चीज, आपने कहा गेस करिए, तो मैं गेस करती हूँ इसमें एक ऐसी चीज होगी जो आप सबने कभी भी नहीं देखा होगा सुनील के बारे में लाइफ। ये बैग है जी, खुला भाई।
वाह, काफी नीट एंड क्लीन है सुनील। मुझे नहीं इतना नीट एंड क्लीन नहीं है, मैं मतलब मुझे स्टेशनरी का बहुत शौक है, ये मैंने नोटबुक्स रखी हुई है ऐसे बेवजह, मुझे पता नहीं इनका क्या करना है। इसमें मतलब के ख्याल व्याल कुछ है, पोएट्री वर्ड कुछ ऐसे गाना लिख लेता हूँ कभी। हाँ कुछ पढ़ दो ना, करी दो लाइंस पढ़ दो। कुछ जुड़ गया है मुझ में, कुछ निकल गया है मुझसे, जो निकला आज फिर मिला मुझसे, थोड़ी देर और ठहर जा, आराम कर लूँ खुद से मिलकर। खुद से थोड़ा खफा हूँ मैं, तुझसे थोड़ा जुदा हूँ मैं, मिलने का तुझसे है मन बड़ा, अगर मिल लिया जो जिससे मिला मैं अब, वो रह जाएगा यहीं खड़ा और फिर मैं तेरे साथ चल लूंगा। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ये सिर्फ ख्याल थे जिनको मैंने लिख दिया। ये मेरी फेवरेट चीज है, पत्ते। मैं ना जुए का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, मतलब खेलना मुझे पसंद नहीं है, हॉर्ड ऑफ जुआ, मैं जुआ खेलता नहीं हूँ मैं। हाँ। लेकिन मुझे जो ये बड़े लुभाते हैं, ये जो इसे पत्ते हैं। हाँ, मुझे मैजिक ट्रिक बहुत पसंद है। कोई भी वो सही पत्ता उठाया मैंने। हाँ, अभी इसको कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, रख दिया अपने पास में। हाँ, तो शफल कर लो ताकि आपको जाएगी बनाए। अच्छा, शफल भी कर दूं मैं। ये आज का पान का पत्ता। हाँ, मुझे बताओ कौन सा। हाँ, ये वाला है ना, कोई शीशा वीशा लगाया क्या पीछे? बिल्कुल शीशा नहीं है, पीछे शीशा नहीं, इधर शीशा, लेकिन मैंने आंखें बंद भी कर ली थी। How did you know? हाँ, ये जादू है। किंग ऑफ हार्ट था, एंड यू गेस्ड इट। ये वाला पता, बेसिकली हाथ की सफाई है, सुबह सुबह साबुन से हाथ धोए हैं, आपके भी जादू का लगा हुआ अंदर, तो शीशे के सामने शेव करते हैं। तो शेव हो गई आपकी? मेरी शेव हो गई, मैं एकदम यहाँ से एकदम सरपट हो गया हूँ। रफ ड्राफ्ट चिक, क्या कहते हैं, चिकना चिकना। हाँ, चमेला, चिकना चमेला हो गया, लेकिन चमेली बन जाऊंगा थोड़ी देर में मैं। करेक्ट, ये मौसमी जूस है। हाँ। सुनील इज वेरी पर्टिकुलर कि हम लोग कुछ खाएं, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है और शो का नाम है ब्रेकफास्ट टू डिनर, और इस वक्त हम लोग बहुत ही हेल्दी चीज खा रहे हैं। सुनील आप बताइए आपकी प्लेट में क्या क्या है, और आप क्या खा? मेरी प्लेट में ये बॉयल्ड अंडे हैं, एग वाइट्स हैं, ये इडली है, ये सांबर है, चटनी है नारियल की चटनी। हाँ। और ये थोड़ा सा जूस है जो ऑरेंज जूस है, मौसमी है, मौसमी है। सॉरी, ये मौसमी जूस है। हाँ, हम दोनों चीयर्स करके पीते हैं। चीयर्स जी, चीयर्स, चीयर्स। पर ऐसे आपकी वैसे डाइट क्या होती है, चुटकी की डाइट क्या है और सुनील की डाइट क्या है? सुनील की डाइट तो बहुत खतरनाक, मुझे खाने का बहुत शौक है, 10-10, 12-12 पराठे एक साथ खाने वाला इंसान हूँ, लेकिन हेल्दी बल्कि अच्छी नहीं लगती चुटकी हमारी, तो स्लिम एंड ट्रिम सेक्सी फिगर, तो मन 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 मार के मुझे फिर यही सब खाना पड़ता है। आप सारी बातें करती रहेंगे। हाँ हाँ हाँ। और जूस गर्म हो जाएगा, इडली ठंडी हो जाएंगी। हाँ, तो अभी हम लोग थोड़ा खाते हैं। ये लड़की है ना, इसलिए क्या करती है, बहुत स्मार्ट है, क्योंकि खाएंगी तो वो टेढ़े मेढ़े बनते हैं, आदमी जैसे इडली है ऐसे टेढ़े मुंह है, मुंह बनेंगे बोलने में आदमी भद्दा सा लगता है, लेकिन बड़ी स्मार्ट चीज की है, शो करती है, इनको पता है खाएंगी नहीं तो ऐसे सुंदर जैसी है वैसे दिखती रहेंगी। मुंह में एक बार आप डाल के दिखाइए कैसे लगता है। ये तो वैसे खा रही है शादी की जब वीडियो बनती है ना, तो जैसे दुल्हन शर्मा के नीचे से ऐसे 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 खाती है, दूल्हा की लाता है वैसे खा रही है ये, पर टेस्टी है, बाय द वे टेस्टी है, अच्छे से खाना चाहती है। तो फिर ठीक है, खाने तो गरिमा को। हाँ, अभी शुरुआत हो रही है कि सुनील ग्रोवर कैसे चुटकी में तब्दील होने वाला है।
मेरे को 20 मिनट, बस 20 मिनट चुटकी 30 मिनट हो जाती है, 20 मिनट बहुत आराम से, क्योंकि ये पूरी औरत नहीं है ना, तो एक जो इसका कैरेक्टर है बड़ा स्वाभाविक सा और नेचुरल सी लड़की है गांव की, तो बहुत ब्लश व्लश करने की जरूरत नहीं पड़ती, बेसिक मेरी दाढ़ी छुपाई जाती है बेसिकली, जो ग्रीन होती है दाढ़ी का शेव करने के बाद, तो उसको थोड़ा सा छुपाया जाता है और उसके साथ दूसरी टोन जो है उसको इवन किया जाता है ताकि मर्द थोड़ा कम लगे। रात से सुबह होती है या सुबह से रात, ट्रांसफॉर्मेशन तो शाम का जो समय होता है, तो ये वैसा है, अभी मर्ज हो रही है दो चीजें आपस में, तो जैसे नींद आने लगती है तो आपकी आंखें, आपका अस्तित्व आपको भूलने लगता है, आप किसी और दुनिया में जाने लगते हो, इसी तरह सुनील ग्रोवर अब सो रहा है और धीरे धीरे चुटकी जाग रही है। अभी सुबह का वक्त है तो ऑर्गेनाइज है, जैसे जैसे हम लोग लंच की तरफ जाएंगे फिर आप देखिएगा, आपको लगेगा कपल ठहरा हुआ है इस रूम में, क्योंकि यहाँ पे एक सलवार टंगी होगी, यहाँ पे एक पैंट टंगी होगी और एक लेडीज जूते होंगे, एक जेंट्स जूते होंगे, तो दिखाना है कि मैं बहुत ही परफेक्ट मेकअप मैन हूँ, इतना मेकअप इसने कभी जिंदगी में नहीं किया। सुंदर लग रही है आपकी आंखें चुटकी। और ये हैं चुटकी के कपड़े जो बहुत जल्द अंदर जाकर वो इसमें समाने वाली हैं, तो वी आर गोइंग टू शो यू इवन दैट कि हमारी खूबसूरत चुटकी कितनी और खूबसूरत लगेंगी इन कलर्स में। वेरी मच द डायरेक्टर ऑफ द शो, हेलो, कांग्रेचुलेशंस, हेलो राजीव ढिंगरा, हेलो, ही इज हाफ रिस्पांसिबल फॉर व्हाटएवर द शो इज टुडे। ये इन्होंने नेट लगा दिया मेरे ऊपर, यहाँ पे मेरे बाल दबा दिए, जो मेरे असली बाल है दबा दिए, और इसके ऊपर हीरा साहब, हाँ जी, शुरू करें आप मंत्र। मंत्र शुरू करते हैं, ओम चुटकी विगाए नमो धूम, ओम क्लिपाए नमो साइड वाले क्लिपाए नमो, ओम सेंटर लाइट ही गाए नमो। यहाँ इनके चुटकी तैयार हो गई है, चलो स्वाहा तक कर स्वाहा, फालतू बकवास। ओ ये जैसे चुटकी की छोटी सी चोटी बन जाएगी तो आपको दिखाते हैं चुटकी की, जो चुटकी की चोटी की रेसिपी, जो ये बता सकते हैं दादाजी, हाँ। चोटी की रेसिपी आप बताती रहे। ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उदारवान हो तो जुओं को ये शेल्टर देके रखती हूँ, जुओं को शेल्टर। और आपके हाथ में जो रिबन है चुटकी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किस चीज के लिए यूज करती हैं? ये यहाँ पे जैसे एक बन चुका है, हाँ, ये इसलिए था कि ये जुए इसके वो बाहर ना जाए, ये अंदर, ये लक्ष्मण रेखा है, ये रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। और अब उस तरफ पे चोटी बनने वाली है, उस तरफ चोटी बनने वाली है, फटाफट तैयार हो रही है ना ये चोटी। सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है चुटकी के बारे में? चुटकी की सबसे अच्छी चीज ये लगती है कि चुटकी कुछ भी बोल दे अच्छा ही लगता है, हंसी आ रही है बस, ये मजा आता रहना चाहिए। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा होता है, हाँ। लेकिन चुटकी के इंसान के अंदर का जो बच्चा वो मर्द निकला, तो कोई क्या करे। Are you ready for shooting? अभी लिपस्टिक लगेगी फाइनल टचेस में, वो बिल्कुल स्टेज पे जाने से पहले, उसके बाद हम लोग शूटिंग शुरू करेंगे। तो ये देखिए अब
चुटकी से ये क्या हार बना लिया आपने? मैं सब्जी बना हुआ हूँ अभी, मतलब ये कहाँ की सब्जी है? देखा आज एपिसोड में भज्जी आए हुए थे, तो उसके अंदर मैं भज्जी का बेटा सब्जी बना हुआ था। अरे वाह। और वो मेड इन इंडिया है, तो इंडिया में तो सब्जी चलती है ना। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो सब्जी है। अच्छा। तो पास्ता नहीं बन सकता। पर बड़ी क्यूट ही सब्जी है ये, मतलब ये खाने का मन नहीं करता। ये हेल्दी सब्जी है कि फैटनिंग सब्जी है, कैसी सब्जी है ये? खतरनाक विस्फोटक सब्जी है। मैं देख रही हूँ मुझे 6-7 घंटे से बैक टू बैक शूट चल रहा है जी। तो अब हंसा कैसे पा रहे हो लोगों को? मतलब इट इज नॉट इजी टू मेक पीपल लाफ। हां, मतलब आप खुद इतने टायर्ड हो लेकिन चेहरे पे ये देखिए। नहीं, ऐसा जब लोगों के मुंह पे हंसी आती है तो सारी जो थकावट है वो भाग जाती है। हाँ। और इसकी आदत है हम लोगों को काम इस तरह करने की, और ये काम इसी तरह से ही होता है। हाँ। एक एक लाइन, एक एक चीज को मेजर किया जाता है कि इसमें हंसी आएगी, इसमें हंसी नहीं आएगी। तो ये प्रोसेस है जिसको हम एंजॉय करते हैं। अजी, यही तो हमारा काम है। रात बहुत लेट हो गया है, वो इसलिए है क्योंकि मैंने बैठ के दिन भर मिस्टर सुनील ग्रोवर को एंटरटेन करते हुए देखा है, क्योंकि वाचिंग ऑल योर गैग्स, मुझे इतना हंसाया है इसलिए शायद मेरा, मैं ऑफ कोर्स मेकअप भी है, बट आई थिंक दैट्स द रीजन, इट्स द एंटरटेनमेंट यू हैव ऑफर्ड अस। अरे वेरी नाइस, बहुत स्मार्ट वाला दिया। अच्छा आवाज था ना, आदमी के पास आंसर नहीं होता इस चीज का, बट थैंक यू। लेकिन क्योंकि आज हमने आई थिंक काफी लेट भी हो गया, आपको अभी जाके हमने शॉर्ट घड़ी नहीं। फिर आपको कैसे पता चला लेट हो गया? मतलब आपने ऐसे देखा हो, ऐसा भी कहा मैं लेट हो गया, कैसे पता चला ये? मैंने चांद को देखा, चांद इतना ऊंचा आ गया तो लगा। अरे चांद को देख के आप टाइम को पता लगा लेते, क्योंकि अभी थोड़ा लेट हो गया है। तो बिफोर वी गो, मैंने आपके चुटकी की चुटकी से हार्डली बात की, आप बिजी हो गए थे शॉर्ट में, तो थोड़ा चुटकी के अंदाज में, थोड़ा भज्जी सब्जी के अंदाज में कुछ हम कुछ अपने ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं एंड में। ये पिचकारे पता नहीं लेकर आई हूँ, क्या करें पिचकारे? होली का एपिसोड शुरू किया आज, और आप लोगों ना प्लीज़ एक बात का ख्याल रखना कि होली के दिन किसी के ऊपर भी ग्रीस ना लगाएं, नालियां में ना लोगों को फेंकें, और लोगों के ऊपर वो बड़े बड़े गुब्बारों में आप कीचड़ भर के ना मारें, ये कोई तमीज़ नहीं होती होली खेलने की। ओके, अगर आप ऐसा करते शट अप, ऐसा नहीं करना। होली प्यार का त्यौहार है, इसके अंदर आप मिठाइयाँ खाएँ, और नहीं खाई जाती मिठाइयाँ तो मैं अपना एड्रेस बताती हूँ, आप वहाँ दे दें। तो मैं मिठाइयाँ खाने में इतनी एक्सपर्ट हूँ, मैं बता नहीं सकती, ऐसे खा लेती हूँ और पचा लेती हूँ, मेरा बोलता ही जाऊँ। आपने इतने गेटअप चेंज किए आज, हमको हम सोचे कि हम लोग अब यहाँ से गेटअप होकर चले जाते हैं घर, क्योंकि आपको तो पूरी रात आपको एंटरटेन करना है, हमको करते रहना है, एंड वी आर लाफिंग अ लॉट, एंड वी होप यू कंटिन्यू टू मेक अस लाफ। सब्जी, एंड जाते जाते आप प्लीज आस्क आवर व्यूअर्स टू वॉच यू इन योर सब्जी स्टाइल। प्लैनेट अर्थ में सिर्फ आप ही का नाम हो और आप ही की हंसी हो हमसे बात करने के लिए, हमारे पूरा दिन बताने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील। थैंक यू गरिमा, मेरे साथ पूरा दिन बताने के लिए, बहुत मजा आया। और अब भूख लगी आपको? हाँ। तो कुछ खा ले डिनर। हाँ। अनिल डिनर मंगवा लो भाई, तो हम लोग डिनर खाते हैं, आप भी डिनर खाइए, एंड प्लीज कीप वॉचिंग मैड इन इंडिया, क्योंकि इससे ज्यादा मैड इंसान आपको नहीं मिलने वाला।